Hello everyone, I am Vaishali Nahar, welcomes you at my YouTube channel School at Home. Today I am going to teach you class 8 chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.4 question number 10. तो चलिए students हम देखते हैं कि आपका exercise 2.4 का question number 10 क्या है. इसके पहले के questions already हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, so students please subscribe that channel to see that videos. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. 10 इयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. यहाँ पे अमन जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है अपने सन की एज का. और 10 इयर्स अगो और 10 साल पहले वो क्या था, 5 टाइम्स था अपनी सन की एज का. तो आपको क्या बतानी है यहाँ पे, प्रेजेंट एज. तो हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पे. ये आपका क्वेश्चन है कि अमन की जो एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है अपने सन की एज का. और 10 इयर्स अगो क्या था, वो 5 टाइम्स है अपनी सन की एज का. तो उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है. तो ये देखिए, हमने यहाँ पे अमन की एज डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो हमको नहीं गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक्स ले लिया. क्या ले लिया, लेट द एज ऑफ अमन सन बी एक्स ईयर. कि अमन का जो सन है उसकी एज क्या है, एक्स ईयर है. और क्वेश्चन में गिवन है कि अमन एज क्या है, 3 टाइम्स है अपनी सन की एज का. तो अगर उसके सन की एज एक्स ईयर है तो अमन की एज क्या हो जाएगी, 3x ईयर. क्या हो जाएगा, 3x ईयर. जैसे मैं बता चुकी हूँ कि टाइम्स आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × x हो गया. क्या हो गया, 3x ईयर. बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर मतलब क्या होगा, माइनस करेंगे. क्या करेंगे, माइनस. तो बिफोर 10 ईयर्स एज ऑफ अमन से एज क्या है, क्या कि अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या ली हमने, 3x. तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, -10. तो 3x -10. और सन की एज क्या थी, अभी एक्स थी, तो 10 ईयर्स पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 10. अब उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज. वो क्या था, 10 ईयर्स अगो जो यहाँ पे अमन है, ये किसकी एज है, अमन की एज, वो क्या है, 5 टाइम्स है अपनी सन की एज का. तो 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और उसकी सन की एज क्या थी, एक्स माइनस 10. तो चलिए अब इसको देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपका, थ्री एक्स माइनस 10, और ये 5 जो है बाहर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × x 5x माइनस 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50. फिर आप देखेंगे 3x. अब ये जो 5 इधर है आपका, कहाँ पे, ये जो RHS में है यहाँ आपका, इसको हम यहाँ पे LHS में लेके आएंगे, तो प्लस का 5x है, तो यहाँ आके माइनस का 5x हो जाएगा. और ये माइनस 50 है, और ये इधर माइनस 10 था, तो इसका यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10. तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस 50 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 40. माइनस प्लस माइनस, और साइन लगेगा बड़ी डिजिट का. ऐसे ही 3x माइनस 5x क्या होगा, माइनस 2x. ये माइनस से माइनस क्या होगा आपका, कैंसिल. तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 40/2, दैट इज 2×2=4. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 20. कितनी आ गई आपके, x की वैल्यू 20. तो ये किसकी एज है, सन की एज है. कितनी एज है, सन की एज. और फादर की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3x. कितनी है, 3x. तो क्या हो जाएगा, 3 × x. x की वैल्यू क्या आई है, 20. तो 3 × 20 दैट इज 60 ईयर्स. और ये क्या है, उसकी सन की एज क्या है, 20 ईयर्स. सो ओके एंड गुड बाय. प्लीज कंटिन्यू विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो.